हेलो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी रेस्टोरेंट और ढाबे से भी बढ़िया घर पर नान बनाने जा रहे हैं, जो कि हम बनाएंगे बिना मैदा के। तो आज हम बनाने वाले हैं गेहूं आटे का नान, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट के साथ साथ हेल्दी तो रहेगा ही। आप रेस्टोरेंट जाना भूल जाएंगे दोस्तों अगर एक बार इस तरह से बना कर खाएंगे तो। इसका टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, जैसे कि आप मैदा का जो नान खाते हैं उससे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी आपको गेहूं आटे का लगने वाला है। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए देख सकते दोस्तों, मैंने यहाँ पर गेहूं का आटा लिया है, उसे मैं अच्छे से छान लेती हूँ जिससे इसका जो चोकर है वो मोटा मोटा जो है वो निकल जाए और चिकना आटा हमें मिल जाए। जो भी सामान मैंने जितना जितना मात्रा में इस्तेमाल किया सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसे चेक कर सकते हैं। गेहूँ आटा को छानने के बाद यहाँ पर हम डाल देंगे बेकिंग सोडा और डाल देंगे दोस्तों स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा यहाँ पर हम डाल देंगे यहाँ पे दूध पाउडर। दूध पाउडर को स्किप बिल्कुल नहीं करना है, यही इस रेसिपी की जान है दोस्तों, इसे ज़रूर डालिएगा। उसके बाद हम सभी को अच्छे से मिला लेते हैं। मिलाने के बाद हम यहाँ पर बीच में इसे थोड़ा सा गड्ढा बनाएंगे। ये देखिए, सभी को पहले मिला लीजिए ये जो दूध पाउडर वगैरह को आटे में अच्छे से, इसके बाद बीच में ऐसे गड्ढा कीजिए। गड्ढे करने के बाद हम यहाँ पर डाल देंगे ताज़ा दही, ताज़ा मीठा दही हमें यहाँ पर डालना है। खट्टा दही ना डालें वरना आपका जो नान है वो खट्टा लगने लगेगा, जिससे कि इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। और उसके बाद हम इसमें धीरे धीरे पानी डालते हुए इसे आटा तैयार करेंगे। पानी एकदम से ना डालें वरना क्या होता है थोड़ा सा गीला हो जाएगा तो दिक्कत होगा, तो इसीलिए आप धीरे धीरे पानी डालिए, एकदम ज़्यादा एक साथ ना डालें। धीरे धीरे ना डालने के बाद देखिए आटा हमारा अच्छे से तैयार हो गया है, जैसे हम रोटी बनाते वैसे ही एकदम सॉफ्ट आटा इसका तैयार करना है। और उसके बाद हम हाथों में थोड़ा सा तेल लगाकर इसे एक बार और अच्छे से मसल मसल के थोड़ा तैयार कर लेंगे। और चाहे तो इसे आप अच्छे से पटक पटक कर भी तैयार कर सकते हैं दोस्तों, जितना ज़्यादा आप इसे पटकेंगे उतना ज़्यादा इसमें एयर आता है। और उसके बाद ऐसे गोल बनाकर हम इसे ऐसे गोला टाइप से इसे बना लेंगे और इसके ऊपर हम तेल लगा देंगे और तेल लगाकर इसे कवर कर देंगे, कोई भी ऐसे ढक कर इसे रख दीजिए। ढक कर अच्छे से रखने के बाद इसे हम 4 घंटे ऐसे ही छोड़ देते हैं। और उसके बाद हम 4 घंटे बाद हम चेक करेंगे, अगर ठंडी का दिन है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, लग सकता है खमीर उठने में। ठंडी का दिन है तो आप इसे 6-7 घंटे भी छोड़ सकते हैं, तो गर्मी का दिन है तब तो 4 घंटा काफ़ी है। उसमें आप जब देखेंगे तो इसमें बहुत ही अच्छे से एयर आ जाएगा और ये अच्छे से फूल जाएगा, खमीर आ जाएगा। तो चलिए हम इसे चेक करते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों कितना अच्छा से इसमें एयर आ गया है। अब इसे हम ऐसे हाथों से ऐसे ऐसे लंबा करेंगे और इसे बराबर बराबर हिस्सों में काट लेंगे। थोड़ा सा नॉर्मल जो रोटी बनाते हैं उसका डबल कम से कम इसका लोई रहेगा, मतलब 2 रोटी के बराबर इसका बड़ा बड़ा पेड़ा हमें तोड़ना है। और उसे तोड़कर इसे गोल गोल ऐसे कर कर हमें साइड में रख देना है और एक पेड़ा उठाकर इसे हमें बेलना है। तो हम जब बेलेंगे तो देखिए इसे कैसे बेलना है, इसे गोल नहीं बेलेंगे, इसे थोड़ा सा ऐसे अंडाकार शेप में इसे बेलेंगे। ये देखिए, तो ऐसे ही अंडाकार शेप में आपको बेलना है, और चाहे तो और बड़ा भी आप बेल सकते हैं, पर तावा मेरा छोटा है तो थोड़ा सा हम इसका तावा का साइज़ देखते हुए बेलेंगे। ये देखिए, और ये जो है नॉर्मल रोटी से थोड़ा सा मोटा ही इसे बनाएंगे। नॉर्मल रोटी जो होता है पतला होता है, तो हम यहाँ पर नान बना रहे हैं तो ये थोड़ा सा मोटा ही बनता है। ये देखिए दोस्तों इसका थिकनेस। अब यहाँ पर हम लगा देंगे एक लहसुन की कली लेंगे और उसे इसके ऊपर ऐसे ग्रेट करेंगे। तो ये देखिए गार्लिक नान बना रहे हैं जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है, इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है दोस्तों। तो ऐसे हम इसे कद्दूकस करके इसके ऊपर फैला देंगे और इसके ऊपर ऊपर कटा हुआ हरा धनिया भी लगा देंगे। और इसके बाद जो कलौंजी का जो बीज होता है दोस्तों उसे भी हम इसमें लगा देते हैं और इसे हाथों से ऐसे दबाएंगे या फिर बेलन से ऐसे बेल लीजिए तो ये इसमें चिपक जाएगा आटा में, या हाथों से दबा दीजिए या फिर बेलन से इसे बेल दीजिए तो ये चिपक जाता है अच्छे से। और उसके बाद हम यहाँ तावा को गरम करेंगे। तावा हल्का सा जब गरम हो जाए तो हम इसमें देखिए जिस साइड हमने धनिया वगैरह लगाया है उसके दूसरे साइड में हम इसमें पानी लगाएंगे इस रोटी में, और पानी लगाकर उसी साइड को, पानी जिस साइड में लगाया है उसी साइड को हम तावा में डालेंगे, मतलब ये तावा में चिपक जाएगा जिससे कि। तो देख सकते दोस्तों जिधर हम पानी लगाए हैं उसी साइड को हम तावा के साइड ही मतलब डालेंगे जिससे कि तावा में भी अच्छे से चिपक जाए। और इसे हम ढक देंगे, कोई भी ढक्कन से कवर कर देंगे। उसके बाद हम थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि देखिए ये फूल गया है, फूलना शुरू हो जाता है। और आँच को आपको मीडियम टू लो रखना है, हाई नहीं रखना है। ये देखिए कैसे फूल गया है, कितना अच्छे से फूल गया है ना। तो बस अब इसके इसी टाइम पे हम तावा को ऐसे उठाएंगे और डायरेक्ट आग में इसे सेकेंगे। देखिए जैसे मैं कर रही हूँ उल्टा करके वैसे आपको इसमें सेकना है। तो उसके बाद आप देखेंगे बहुत अच्छे से इसमें
कलर आ जाता है इसका एकदम नॉन का जैसे, बहुत ही सुंदर सा कलर आएगा जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है। तो देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है ना, तो बस इसे आप अब निकाल लीजिए और बाकी सभी रोटियों को हमें ऐसे ही सेकना है, बाकी सब नॉन को। और उसके बाद हम इसमें बटर लगा देंगे, बटर लगाने से बहुत ही अच्छा खुशबू आएगा, टेस्ट आएगा। तो हमारा बटर नॉन, बटर गार्लिक नॉन बनकर तैयार है। रेस्टोरेंट से भी बढ़िया आप घर में बना सकते हैं दोस्तों, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है और हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। इसे आप एक बार ज़रूर घर में बनाकर ट्राई कीजिए, आपके घर में बच्चे बड़े सभी को पसंद आने वाला है, टेस्ट भी अच्छा रहेगा और हेल्थ भी अच्छा रहेगा। तो इसे देखिए मैं इसमें लगा देती हूँ बटर, बटर लगाकर इसे आप गर्मा गर्म सर्व कीजिए। चाहे तो आप इसे 20 से ऐसे टुकड़ों में काट सकते हैं दोस्तों, या फिर ऐसे ही, मैं क्योंकि छोटा साइज थोड़ा बना है तो मैं इसको ऐसे ही डाल रही हूँ, काट नहीं रही हूँ। चाहे तो आप इसे 20 से कट लगा सकते हैं। ये देखिए इसे अब हम पनीर की सब्जी के साथ इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। देखिए दोस्तों कितना टेस्टी लग रहा है। तो यहाँ पर मैं बनाई हूँ कढ़ाई पनीर और यहाँ पर बनाई हूँ गेहूं आटे से नॉन, बटर गार्लिक नॉन है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट है, टेस्टी है, हेल्दी है। कैसा लगा रेसिपी कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना। तो चलिए दोस्तों हम अगले वीडियो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।